आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना के बाद अपने गुरु की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, नाग पंचमी पर खिलाड़ियों का किया सम्मान, शनिवार को होंगे लखनऊ के लिए रवाना। नागपंचमी के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में मंडल के 75 खिलाड़ियों को किया सम्मानित। कहा, प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया के तहत खिलाड़ियों का बढ़ाया मान, टोक्यो में भारतीय खिलाड़ियों ने लहराया परचम, लखनऊ में भी खिलाड़ियों का किया जाएगा सम्मानित। प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को युवती के घर वालों ने बेरहमी से की पिटाई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस युवक को लेकर पहुंची रामगढ़ताल थाना। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया भर्ती, हुई मौत। परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप, किया हंगामा। एसएसपी ने कहा, मृतक के पिता की तहरीर पर की जा रही है कार्रवाई, आरोपी हुए गिरफ्तार। फर्जी टेलीकॉम एक्सचेंज खोलकर विदेशों से आने वाली कॉल को भारतीय नंबर पर ट्रांसफर कर धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह के दो सदस्यों को एसटीएफ गोरखपुर की फील्ड यूनिट ने किया गिरफ्तार, किया कोतवाली पुलिस के सुपुर्द। आकाशवाणी केंद्र में निष्प्रयोग जनरेटर रूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, नहीं हुई कोई जनधन की हानि। गोरखपुर में शनिवार को भी नहीं मिला कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,377। अब तक 848 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 10 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। विश्व के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन गोरखपुर से राजधानी एक्सप्रेस चलाने के संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने कहा, राजधानी एक्सप्रेस चलाने के दायरे में नहीं आता गोरखपुर रेलवे स्टेशन, यहां से संचालित अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों में भी है राजधानी एक्सप्रेस की तरह सुविधा। जिला अस्पताल सहित जनपद में 60 केंद्रों पर 12,014 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 9,021 और सेकेंड डोज लेने वालों में 2,993 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाए टीका जीत का। महानगर के किसी भी पार्षद की मृत्यु के उपरांत वार्ड के नागरिक महापौर कार्यालय में एप्लीकेशन अप्लाई के साथ लगवा सकते हैं हस्ताक्षर और मोहर। महापौर ने कहा, वेरिफिकेशन के बाद निस्तारण कर किया जाएगा आवश्यक कार्रवाई। कोरोना रोधी टीका लगवाने के लिए जिला अस्पताल में लोगों की भीड़ को देखते हुए बढ़ाया गया रजिस्ट्रेशन काउंटर। सीएमओ ने कहा, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कराएं वैक्सीनेशन। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत राष्ट्र वंदन समिति ने निकाला तिरंगा यात्रा। यात्रा के समापन पर मां भारती की आरती कर देश के शहीदों को किया नमन। और महानगर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया नागपंचमी का पर्व। श्री राम घाट पर महिलाओं और बालिकाओं ने गुड़िया पीट कर मनाया पर्व।